इट इज बोनलेस मटन निहारी जो कि एक राजपूती निहारी है. आज तक आपने मुगलई निहारी खाई है, बट दिस टाइम यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस राजपूती निहारी बोनलेस निहारी. Just to let you know, I've come from Mumbai specially to eat the chicken and the mutton nihari, specially from Bombay. Nihari was unbeatable. Achha. You have to come here and eat nihari at Just Kitchen. 3, 2, 1. Yo, what's up people, I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and swagat hai aapka mere channel mein fir se ek bari. Mere na aankhein bhari hui hai. Raat bhar gaadi chala raha tha, wo Jaipur aata yaar soya nahi. Anyway, ye bahut special video hai yaar, batau. Ye na un logo ke liye jo mutton ke shaukeen hai ya non veg ke shaukeen hai. Jagah ka naam hai Just Kitchen. Yahan Just Pratap Singh ji hain. Wo kya karte hain, wo banate hain mutton nihari. और जीरो से दिखाएंगे हमको प्रॉपर तरीके से. और निहारी ऐसी न जाने कैसी वो कह रहे हैं. हमारा हम राजपूत लोग हैं और जो हम बनाते ना निहारी, दैट्स डिफरेंट, दैट्स नॉट द वर्जन दैट यू विल नॉर्मली हैव, इट्स आवर ओन वर्जन. एक साथ में कह रहे हैं हमारा ना चिकन स्टू देखना बड़ा मशहूर है, चलता फिरता लोग कस्टमर आता है खाता है इंजॉय करता है. साथ में कह रहे हैं चंगेजी बोल तो देते हैं. इन्हें नहीं समझा मैं दिल्ली वाला भैया, हमारा भी हिसाब है कि नहीं है. अच्छा ये कुछ दो तीन मटन की आइटम है. जगह बड़ी प्यारी है, फ्रेम्स लगा रखे हैं वॉल पे, बहुत ग्रीनरी है अंदर, अच्छी खासी धूप आ रही है इसलिए मैं अंदर से इंट्रो बना रहा हूँ. तो ये सीन है, किचन खुली खुली है और बड़ा देसी काम है, समझ रहे हो. मिलना है, निहारी की मेकिंग देखनी है जीरो से लेके 100 तक. देखते रहना, पानी आएगा, कुछ नया सीखेंगे, कुछ समझेंगे और कुछ करेंगे. वीडियो अंत तक बन रहे ना, हैं बहुत मज़ा आएगा. चलें Let's go. ये देख लो, ये है Just Kitchen. It's doesn't feel like a restaurant from outside, but it is a restaurant जयपुर का. अंदर चले. What I like is पूरा हरा भरा हिसाब किताब, ये देख रहे हो. And this is the vibe यार. It's a really nice vibe. मैं दोपहर के समय आया था, परमिशन ली थी दिल्ली से निकलने से पहले कि आपका वीडियो बनाऊंगा. फिर आ जाइए, किचन देख रहे हैं सामने. ये जज जी के फादर साहब हैं, मैं इनसे मिला था. हाँ जी, क्या हाल है जी, अंदर आ जाऊँ. हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है शोएब भाई. ऑल वेल, वेरी गुड, वेलकम टू Just Kitchen. स्वागत है आपका Just Kitchen के अंदर. काफी लंबे समय से आपका इंतजार था, आज वी आर वेरी हैप्पी टू होस्ट यू. थैंक यू वेरी मच, प्लीज कम. थैंक यू वेरी मच गाइस, लुक एट द किचन यार, खुली डुल्ली अच्छी खासी किचन. अच्छा ये निहारी की तैयारी के लिए जी. बिल्कुल जी, वेरी गुड. और यहाँ पे आपके प्याजेस कटे हुए हैं. बिल्कुल जी, प्याज सुबह से करा रहे हो काम है. बिल्कुल, अर्ली मॉर्निंग बता था आप आने वाले हो तो थोड़ा सर पे इनके आज. चलो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. अच्छा सुनो, निहारी साथ में चंगेजी खाएंगे. स्टू कौन से लोगे, मटन चिकन? चिकन स्टू बनाते हैं हम लोग, स्पेशली चिकन स्टू की है. चलो पहले इसको तैयारी करते हैं. चालू गाइस, ये देखो जरा के, ये मैंने देखा नहीं. आ हा 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 हा, दिस इज व्हाट आई लव यार. चलो जब जब डालेंगे तो बताते रहेंगे इंग्रेडिएंट्स. बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है जी. ये सबसे पहले कच्ची घानी का तेल है, सरसों का तेल. निहारी कच्ची घानी में बनेगा जी? बिल्कुल जी, कच्ची घानी में बनेगा. क्योंकि कहानी इतनी सी है, क्योंकि ये निहारी जो है ये राजपूती निहारी है, ये मुगले निहारी नहीं है. ठीक है, तो इसके अंदर सरसों के तेल में बनाएंगे इसको और बाद में देसी के तड़के के साथ इसको सर्व करेंगे. आपको खाने का जायका बहुत डिफरेंट आएगा. इसलिए ये तेल जलाने की तैयारी है जी? बिल्कुल जी, हो चुका है तेल की तैयारी. अल्ट्रासाउंड करना, गर्म मसाला डालने की तैयारी हो रही जी. लाल मिर्च साबुत हो गई, इलायची हो गई, बड़ी इलायची हो गई, जावित्री हो गई, तेज पत्ता, जायफल हो गई, दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गई. इसको रखो, ये 1 किलो प्याज में डाल रहा हूँ. 1 किलो प्याज, 5 किलो निहारी के अंदर. तो 5 किलो निहारी बन रही है जिसके अंदर आपने तेल डाला था 1 किलो. 1 किलो तेल डाला था और 1 किलो ही प्याज डाले मैंने 200 ग्राम के हिसाब से. मसालों को ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, डालते ही हाथों हाथ इसमें प्याज डालते हैं. नहीं करेंगे इसको, जैसे कि लाल मांस में या कुरमे में हम बिल्कुल बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लेते हैं, इसको पिंक ब्राउन करेंगे. इसको लाइट, पूरा ब्राउन नहीं करोगे, वेरी लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको. क्योंकि जब मटन डालेंगे तो मटन ढंग से इसमें घुल जाए. स्टाफ बड़ा अच्छा आपका, हसमुख स्टाफ है बड़ा. हाँ क्या हाल है जी, कैसे? चाय बन गई है? ये देखो, ठीक है भैया, वेरी वेल. थोड़ा जल्दी गल जाए प्याज, थोड़ा नमक डाल देते हैं.
प्याज ऑलमोस्ट जैसे बिल्कुल वैसे हो चुके हैं जैसे मुझे चाहिए थे, और अब बस इसके अंदर फटाफट इसके अंदर अब मैं मटन डाल रहा हूँ। ले लिया से आ गया मटन। क्या क्वांटिटी थी इसकी? 1 second 5 kilo 5 kilo मटन। आप देख लीजिए मटन के अंदर, मटन के अंदर फैट बहुत है। 8 to 10 kilo का हम गोट यूज करते हैं, उससे बड़ा नहीं करते, और मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो बोनलेस ही यूज करते हैं। इट इज बोनलेस मटन निहारी, जो कि एक राजपूती निहारी है। आज तक आपने मुगलई निहारी खाई है, बट दिस टाइम यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस राजपूती निहारी, बोनलेस निहारी। चलो सो गाइस, अभी हम ऐसी बातें कर रहे थे तो आई सॉ अ फ्यू पीपल जो बॉम्बे से स्पेशली खाने आए हैं इनका। दैट इज सच अ गुड थिंग। आते रहते होंगे कस्टमर्स बॉम्बे से? नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरनेशनल लोग काफी यहाँ पे आते हैं, और स्पेशली बोल के आते हैं कि बकेट लिस्ट जो होती है हर एक आदमी की, कि हमारी बकेट लिस्ट के अंदर जस किचन है, और स्पेशली निहारी खाने लोग आते हैं। इवन दिल्ली से भी कई बार एम्बेसी से कॉल आता है, कई बार ट्रैवलर्स का कॉल आता है कि हम लोग निहारी खाने जयपुर आ रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट स्टेट से लोग कॉल करते हैं और स्केड्यूल करते हैं अपने स्थान के अंदर यहाँ की निहारी को ट्राई करने के लिए। ये और निहारी से बहुत डिफरेंट है, रीजन क्योंकि इसके अंदर बोन नहीं होती सर, ये बोनलेस निहारी है। बिल्कुल। मैं जरा गेस्ट से मिलके आ रहा हूँ, प्लीज जो बॉम्बे से है मिलवा ही देता हूँ लोगों को ना। जी बिल्कुल। आई होप दैट दैट शुड बी विद द फूड। ओके, द माइक्स हियर एंड आई एम द कैमरा इज ऑन। नॉट सो स्क्रिप्टेड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। एंड जस्ट टू लेट यू नो, आई हैव कम फ्रॉम मुंबई स्पेशली टू ईट द चिकन एंड द मटन निहारी स्पेशली फ्रॉम बॉम्बे। I see all your friends, your colleagues working together. Yeah, colleagues, we're working together. Achha. We're part of Z Studio. Hi, hello. But this is all because of somebody putting something great about this place, and we wanted to explore. Chalo, I hope you guys have a good experience. Lovely. You guys have ordered, right? We're waiting for it. Chalo. Very well. Thank you so much, buddy. Thank you for your time. Thank you. All right. So, Abina, मेरी बात चल रही थी इनसे, कह रहे खबूज खिलाएंगे साथ में। अच्छा जी, खबूज हम खबूज खिलाएंगे, और खबूज की स्पेशलिटी हमारी यही है कि वो दूध दही और पनीर के अंदर बनते हैं हमारे खबूज। अच्छा जी, तो ऐसा कुछ होगा। अच्छा जी भाई, साथ में ना ये देख लो, ये है जी चिकन स्ट्यू। वाह जी वाह, देखो ये चिकन स्ट्यू है जो कि मॉर्निंग में बन गया था, और इसको आप गर्म करके वापस इसको सर्व कर रहे हैं कस्टमर को। वेरी गुड। बड़ा फेमस है स्टू भी आपका जी? बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग काफ़ी दूर से खाने आते हैं चिकन स्ट्यू, क्योंकि मटन स्टू इज अवेलेबल एवरीवेयर, बट चिकन स्टू हर जगह अवेलेबल नहीं होता। और चिकन लवर्स के लिए ये हेवन है। अच्छा, काफ़ी चिकन लवर्स जो हैं स्पेशली चिकन स्टू खाने यहाँ पे जस किचन में आते हैं काफ़ी दूर। एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। वहाँ से ये पूरी देसी की प्रिपरेशन है, कम्प्लीट देसी की प्रिपरेशन है। ये वापस आए हैं, एक बार रंग दिखा दूँ आपको, मटन का अच्छा खासा ब्राउन हो गया है। वैसे बता दूँ, ये जब इस पर दम लगेगा जो बता रहे थे, मुझे कम से कम 5-6 घंटे वेट करना है यहाँ पे। हाँ, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि तब भी पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। वी ट्राई टू कवर 60% ऑफ इट, सिंस वी हैव टेकन लॉन्ग टाइम, तो थोड़ा समय इनको और व्यतीत करना पड़ेगा यहाँ पे। गाइस ये स्टू डन हो गया है, ट्राई करते हैं इसको, एक्चुअली थाली में खाएंगे यार। यहाँ पे जल्दी से एक शॉट देख लो खबूज का। जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना आपकी मेन डिश जो हीरो होता है, मतलब कोई भी करी जो आप खाते हो उसके साथ, उतनी इंपॉर्टेंट होती है वो ब्रेड जो साथ में खा रहे हो, बिकॉज इफ इट कंपनी इज द ग्रेवी दैट यू हैविंग ना, वापस सॉल्व हो जाता है। क्यों शेफ साहब? ठीक है सर। गाइस ये फूली हुई खबूज देखना एक बार, एक मिनट। हाय हाय हाय। अच्छा जी, ये जो बॉम्बे से आया ना उनके लिए बन रही है गर्मा गर्म, हम भी यही खाएंगे बाद में। हाँ जी, ये लहसुन का पेस्ट, अच्छी क्वांटिटी के अंदर लहसुन। जिस खाने के अंदर अगर लहसुन नहीं हो ढंग से तो मज़ा ही नहीं आता, और स्पेशली राजपूती निहारी के अंदर या राजपूती लाल मांस जो होता है, लहसुन ही मिला तो काम अधूरा है। दो तरीके से लहसुन डाल रहे हैं, थोड़ा सा वो भी डाल दिया हमने पिसा हुआ, थोड़ा सा हमने साबुत डाल दिया। टेक्स्चर पूरा आना चाहिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये डाल दिया अदरक का पेस्ट इसके अंदर, अच्छी क्वांटिटी के अंदर अदरक डाल दें। हल्दी, हल्दी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलर थोड़ी हल्दी और लेकर के आओ, हल्दी थोड़ी और चाहिए, हल्दी और डालेगी इसके अंदर थोड़ी सी, थोड़ी हल्दी और बढ़ा दी मैंने इसके अंदर, हल्दी का टेक्स्चर बहुत चलने चलेगा, हल्दी का टेक्स्चर। ये देखिए,
ये जो मिर्ची डाल रहा हूँ साधारण मिर्ची नहीं है, तीन चार तरह की मिर्चियों को पीस करके मैं अपनी मिर्ची बनाता हूँ। इसमें मथानिया भी है, इसमें पटना भी है, इसमें रतलाम की भी है और इसमें देसी मिर्चियाँ भी है। ये देखिए ये जो कलर जो आ रहा है ये अभी आधे घंटे बाद बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यू विल सी द ब्राइटनेस, टेक्सचर इसका बहुत खूबसूरत हो जाएगा। साथ के अंदर ये पिसा हुआ कुछ ब्लेंड है, ऐसा है मसाला है, सॉरी फिर से ये गरम मसाला है। कई तरह के मसाले के इसके अंदर, लोग कहते हैं कि कोई सीक्रेट मसाला नहीं होता। मैं मानता हूँ सीक्रेट मसाला नहीं होता, बट खुद के अपने बनाए हुए एक्सपेरिमेंटल मसाले होते हैं, वो मेरा इसमें एक्सपेरिमेंटल मसाला है और जो कि काफ़ी हद तक सक्सेस है। काफ़ी वीडियो देखी आपने जहाँ लोगों ने सीक्रेट बोला, तभी आपने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि सीक्रेट नहीं है, मेरा अपना एक्सपेरिमेंटल है। चलो भाई, सीक्रेट मसाले कुछ नहीं होते, एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूजन में बेसिकली व्हाट इज माय हॉबी इज फ्यूजन फूड। हर खाने के अंदर शरारते करना मुझे बड़ा मजा आता है और उसी को अंग्रेजी में नाम फ्यूजन दे दिया लोगों ने। अच्छा, हाँ, तो मेरा जो बेसिकली जो भी मेन खाना जो बनता है किचन में, ऑल फ्यूजन फूड। वेरी, ये निहारी के साथ फ्यूजन किया हमने, राजपूती फ्यूजन। ठंडा करने के लिए मन को, बिल्कुल मन को ठंडा करने के लिए निहारी के साथ खुशबू तो आनी चाहिए ना, माउथ फ्रेशनर, तो इसलिए सॉफ्ट ये बहुत जरूरी है। ना खुशबू का एक्चुअली में बहुत इंपैक्ट पड़ता है यार, और थोड़ा ठंडा भी लगता है अंदर। हाँ बिल्कुल, इसकी जो तासीर है वो थोड़ा सा ठंडा करने की है। गर्मियों का तो बहुत जोरदार चीज़ है सौंफ, जो मटन की जो गर्मी है उसको बड़ी इसको सप्रेस करती है सौंफ बेसिकली। इसमें दो कटोर दही और लेकर क्या, अभी आपने एक डाली है, दो और डालेगी? हाँ बस बहुत है, डाल दे पूरी। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू प्रेम। सन साहब से मिलो, जय श्री के अच्छे से, बड़े रिस्पेक्टफुली हैं, वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी है जी जयपुर की। राजपूत हैं, राजस्थान से हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर निकल के आ रहा है। अभी ये सिर्फ फैट जितना भी था वो फैट मेल्ट हुआ है, ब्लेंडर हुआ है, ठीक है, मटर के साथ में फैट जो है वो मेल्ट हुआ है और वो टेक्सचर कितना खूबसूरत सारा आप देखें। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बस कुछ चीज़ें हैं बारीकियाँ जो आप समझ सकते हैं इसको। अब आप देखिए कितना खूबसूरत सा टेक्सचर नज़र आ रहा है, कंसिस्टेंसी है निहारी। साबुत धनिया, बिल्कुल साबुत धनिया, साबुत धनिया का बहुत जोरदार रोल है इसके अंदर। घी जा रहा है? बिल्कुल सर, घी जा रहा है। आप जो बोल रहे थे कि आप आटा डालते हो, तो हम सर आटा नहीं डालते, हम नेचुरली इसको थिकनिंग करते हैं। आटे का मतलब होता है थिक करने के लिए, बट हमें हम थिक इसको नेचुरल फैट से करते हैं और घी से करते हैं, इसलिए हमें आटे की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ नेचुरल पड़ता है इसमें। ये देखिए सर, निहारी खाने का मतलब है कि जब तक आपकी पांचों इंद्रियां घी में नहीं हो ना, तो निहारी का मजा नहीं आता। गाइस, प्लान ये हुआ है कि निहारी में, क्योंकि बहुत समय लगेगा, आपने मेकिंग पूरी देख ली, अब मैं इसका आपको एंड रिजल्ट दिखा रहा हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए सर? बिल्कुल सर, एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो अब हम इसका एंड रिजल्ट दिखाते हैं। निहारी इन्होंने जो पहले तैयार कर रखी है, बिल्कुल जो पहला वाला लॉट है, बिल्कुल जो रात को हमने चढ़ाई थी और सुबह मॉर्निंग में जो 8 बजे रेडी हो गई है, इट टेक्स 15-16 आवर्स, तो वो आपको हम दिखाते हैं कि वो निहारी जो मेजर होने के बाद ये 4 घंटे 15-16 घंटे सर 15 घंटे बेसिकली, इट टेक्स 15 आवर्स। कल शाम को चढ़ाई है हमने और अभी मॉर्निंग में वो कंप्लीट हुई है। तो ऐसे करते हैं, चलो अब ये जो बन रही है ये कल सुबह सर्व होगी, ठीक है। गाइस, आपने मेकिंग देख ली, अब इसका आपको एंड रिजल्ट दिखा रहा हूँ। पैन पे दम लगने वाला है, दम लगेगा जी? बिल्कुल जी सर, दम लगेगा। अब ये स्लो, बिल्कुल मंदी आंच पे, बिल्कुल स्लो 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 एंड रिजल्ट दिखाओ, चलता रहे। मास्क अभी आया और ये आई प्रॉमिस यू एवरी टाइम आई कम बैक टू जयपुर, आई कम एवरी टाइम, आई विल 100% विजिट दिस प्लेस। लाल मांस देखना, इनका दिखाना जी, साबुत लाल मिर्च ऊपर ही, शक्ल बात कर रही है जी, ये तो ये भी ट्राई करूंगा जी मैं। बिल्कुल सर, लाल मांस यहाँ का बहुत बहुत स्पेशल बनता है, जैसे मम्मी बनाती है किचन के अंदर, बिल्कुल सेम वैसे लाल मांस बनाते हैं हम। सर दिल्ली में हमें कहाँ मिलता है लाल मांस, पता, हमें तो रोगन जोश ही मिलता है सिर्फ। काफ़ी अच्छा गल गया है, तो मीट छोड़ चुका है हड्डी को, वेरी गुड। और यहाँ पे है जी, ये है आपका चंगेजी, चिकन चंगेजी यहाँ का बहुत फेमस है। एक पीस निकालेंगे हमारे? बिल्कुल सर, आपको एक अच्छा सा पीस निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए। अरे वाह, क्या बात है। एक काम करते हैं, थाली बनाते हैं जिसपे निहारी जो हमारी तैयार हुई है, चंगेजी और लाल मांस चिकन स्टू,
चिकन स्टू एंड खबूस एंड खबूस चलो स्टार्ट लवली अरे इसके अलावा एक मिनट गाइस ये है इनके निहारी का फाइनल टेक्सचर अभी अपना फाइनल सेटअप करेंगे आपको दिखाएंगे करो करो शेफ साहब मसाले वगैरह गाइस ये हो गए निहारी डन अभी अपना फाइनल सेटअप करेंगे डालेंगे अब घी का तड़का स्पार्कलिंग ये है जी आपकी फाइनल निहारी बाय जस किचन शेफ जस जितना नॉनवेज इतना नॉनवेज है मैन आई एम नॉट किडिंग यार आपको लगेगा कि सही में यार इट्स बिन अबाउट 3 hours आई एम इन द किचन एंड लुकिंग एट फूड कंटिन्यूसली ना एनी वे टेबल पे खाना आ रहा है थाली दिखाता हूँ जो उन्होंने बनाई है अमेजिंग टेस्ट करते हैं All right guys, the food's here and what a thali yaar. So normally ये ऐसे थाली सर्व नहीं करते इट्स अलग अलग बट मैंने बिकॉज ट्राई करना है तो मैं क्या एक थाली बना देते हैं वील पुट द बेस्ट ग्रेवीज खबूस सर्व्ड इन द एज अ ब्रेड एंड ऑब्वियसली द हीरो ऑफ द टेस्ट इज ऑल द करीज एंड देन ब्रेड अलॉन्ग है कि नहीं है द ओनर सीम वेरी पैशनेट खाना ट्राई करते हैं बातें बाद में है लंबा वीडियो वैसे ही खिंच चुका है मुझे पता है ओके फूली हुई खबूस The bread seems nice and the good thing is that it's soft. ठीक है, there are two ways of having bread. One is when you have it kadak, the other is when you have it soft ki muh mein jaake ghul jaye. Halka sa wo rich feel aaye. Hai ki nahi hai? All right, let's try. Try karte hain stew se. Kyunki sabse pehle ye dekha tha. Ah ha ha ha. Do you see this? Piece nikale halka sa. Don't tell me aapke mein pani nahi aa raha yaar. Hain? Meri to andar tanki bhar gayi hai iski, honestly. Huh? All right, 3, 2, 1. Subscribe. Let's go in. Cardamom ki feel amazing. Chicken soft and the bread is trust me, he's so right. It's accompanying so well. I love it. सबसे बड़ी बात क्या है? घुलना मुंह में जाके ना. The gravy has a balance. Not too spicy, don't worry. People have that fear कि जयपुर में खाने मतलब हर चीज़ स्पाइसी होगी ऐसा नहीं है There are things that are meant to be spicy और वो है आगे खाएं Okay, really, I love the stew. चंगेजी देखते हैं Thank you. की जरूरत थी थैंक यू ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बड़ा डरा हुआ था वेदर चंगेजी विल बी चंगेजी और नॉट क्योंकि ना कई लोग चंगेजी के नाम पे ना दे सेल अ ग्रेवी व्हिच इज अ लिटिल लाइक चंगेजी बट नॉट एक्चुअली दिस हैज द फील दिस हैज द टच दिस हैज द लव इन इट आई फील द ग्रेवी मैन चिकन तो बात की बात इट्स एक्चुअल द ग्रेवी इन चंगेजी दैट मैटर्स दैट हैज द एक्चुअल टेस्ट दैट वी नीड आई लव इट कंसिस्टेंसी थिक है जैसी होनी चाहिए और वो जो टमाटर अच्छे रसा हुआ है वो काम कर रहा है सो फॉर मी दिस इज ऑल्सो सुपर हिट एंड टू से कि ये बेटर है वो बेटर है नहीं कर पाऊंगा मैं नॉट क्वालिफाइड हाँ आ जाओ ये लो जी ओके मटन एक्चुअली गलती हो गई नल्ली का भी इस खाना यार मैं खा नहीं सकता कोई और पीस ना आजकल नल्ली हैज टेकन ओवर चॉप जो सॉफ्टनेस है ना नल्ली में वो किसी बीच में आती ही नहीं है ओके जैसे डिफरेंट लाल मांस ओके अब इट्स किकिंग इन सो व्हेन यू हैव लाल मांस यू ऑब्वियसली एक्सपेक्ट टू हैव दैट पंजेंट स्पाइस फील हुआ भाई यार हाँ 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 मैं स्पाइसी लवर हूँ यार सो I can sit with my Rajput brothers here in Jaipur and have a good meal. Yeah, shaam wala kaam. Okay. Last but not the least, the signature dish nihari. To Bombay wale ko dekha tha? Wo na koi
न्यूज़ कंपनी में काम करते हैं, स्पेशली गाने आए थे. सो दिस आई कैन टेल यू, यहाँ पे आपको हेल्थ पीछे छोड़ के आना है, सिर्फ स्वाद के लिए आना है, क्योंकि है ही ऐसा माल. जब उन्होंने मना किया था ना आटा नहीं डालेंगे, आई थॉट स्वाद जरूर होगी, ऑथेंटिक होगी नहीं होगी, पूरा निहारी का टच है जी. मुझे एक और ब्लॉग बनाने जाना है अभी, बहुत दूर से एयरपोर्ट के दूसरे कोने में है. इसको खाने के बाद पेट इतना भर जाएगा, कैसे करेंगे. एनीवे इन टोटैलिटी आई थिंक निहारी स्टूड आउट रियली एज हाउ पीपल क्लेम इट, बट देन ऑनेस्टली आई लाइक एवरीथिंग इक्वली. मस्ट ट्राई, जितना खाता खाता बाकी पैक करा फिर आपसे मिलता हूँ. कोई बोल नहीं बचा. कहते हैं ना जब पेट भर जाता है सांस चढ़ता बात करना मुश्किल हो जाता है, कुछ जब खा लेते स्वाद बाद में. सो ना मुझे तो उनके लिए बुरा लग रहा है कि मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, पेट भरा होता ना जनरल फीडबैक निकलता नहीं, मजाक करो निकलेगा. थैंक यू वंस अगेन जस्ट, मोस्ट वेलकम, लवली 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 मील, वेरी हैप्पी टू सी यू हियर. हमारा काम करेंगे आज, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है. तो ऐसा है कि जस्ट किचन है जयपुर में, क्या कहते हैं लोकेलिटी को, बनी पार्क, बानी पार्क में आना है. और डिस्क्रिप्शन में लोकेशन एड्रेस प्राइसिंग कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स डाल दूँगा, ना मिले फोन करके परेशान करो, पहुँचो ट्राई द फूड एंड लीव अ कमेंट. सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूँगा, बहुत निहारी खाई है कि दिल ले गई, मानो मेरी बात, आ जाओ. थैंक यू. ठीक है जी, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विल ग्रो. इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा ब्लॉग्स देखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए. दैट बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, अंटिल देन टेक केयर, हैव फन. बाय कहता जी, बाय बाय जी, विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू.